हेलो एवरीवन आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू पिनेकल कोचिंग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये है हमारी जीएस सीरीज एसएससी सीजीएल की जहां पर हम डिस्कस करते हैं वो सभी क्वेश्चंस जो टीसीएस ने पूछे हैं एसएससी सीजीएल टियर वन में ये एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ था 11th अप्रैल से 21st अप्रैल 2022 में तो ये सभी क्वेश्चंस जो इस एग्जाम के दौरान हुए थे वो हम इस सीरीज को के दौरान डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पिनेकल की इस बुक में जिसका नाम है एस एस सी सीजीएल टीयर वन ट्वेंटी चैप्टर वाइज कवरेज एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था अभी अप्रैल के मंथ में जो कंडक्ट हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे चाहे वो हिस्ट्री जोग्राफी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री या स्टेटिक जीके के हो वो सभी क्वेश्चंस इस बुक में बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं तो ये बुक इजिली अवेलेबल है एमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट आप वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं इसके अलावा इस बुक को आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप पिनाकल की वेबसाइट पे जाकर ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हाँ जी तो स्टेटिक जीके स्टार्ट किया था हमने तो कल पहला सेशन था स्टेटिक जीके का वन टू फोर्टी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे आज हम फोर्टी वन सेवेंटी नाइन तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे राइट तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है हां जी आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा है कि न्यू मून डे के वक्त कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन क्या हैं आपको नीचे से चलते हैं होली दशहरा काली पूजा महावीर जयंती हाँ जी बताइए काली पूजा इसका राइट आंसर है ठीक है तो जब फुल मून डे आता है उस टाइम पे जो है आ, काली पूजा को आ, सेलिब्रेट किया जाता है इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कि महावीर जयंती दशहरा और होली उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि महावीर जयंती जो है वो बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे जो है सेलिब्रेट uh, किया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी लॉर्ड महावीर ठीक है तो जो ट्वेंटी फोर्थ तीर्थांकर थे जैनिज्म में जैन जब आपने जैनिज्म वाला पोर्शन पढ़ा होगा हिस्ट्री में वहां पर आपने तीर्थांकर के बारे में पढ़ा होगा वन टू ट्वेंटी फोर ठीक है फर्स्ट फेमस थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर आपने ट्वेंटी थर्ड एंड ट्वेंटी फोर्थ किया होगा ठीक है तो लॉर्ड महावीर जो थे वो ट्वेंटी तीर्थांकर थे जैनिज्म में जैन uh, कम्युनिटी में राइट तो आ, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे महावीर जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा जिसे विजयदशमी भी कहते हैं ठीक है द डे ऑफ विक्ट्री ये भी नवरात्रि के टाइम पे जो है नवरात्रि के जस्ट बाद जो है वो डिस्कस सेलिब्रेट किया जाता है फिर आता है होली होली भी आपको पता है फागुन के मंथ में आती है फुल मून डे में ही सेलिब्रेट किया जाता है इसका लेकिन मंथ कौन सा है फागुन मंथ है राइट चले आगे चलिए हाँ जी आ, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं नट्टू वानर ठीक है नट्टू वानर कंडक्ट्स अ फिल करना है कौन सा डांस रेसिटल कौन सा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है एक नट्टू वानर एक आ, किस टाइप का नृत्य गायन आयोजित करता है कुचिपुड़ी उड़ीसी कथक या भरतनाट्यम क्या है इसका आंसर हां जी बताइए राइट right, भरतनाट्यम ठीक है तो भरतनाट्यम जो डांस होता है उसमें एक डांसर होता है लेडी जो बड़े सुंदर से कॉस्ट्यूम पहनकर डांस करती है अलग अलग पोजेस बनाती है ठीक है लेडी और जेंट्स कोई भी हो सकता है उसके अलावा एक दूसरा होता है जो उसको कोरियोग्राफ करता है उसका जो गुरु होता है जो आ, बाकी ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स के साथ जो है ताल या राग भाव जो भी वो लोग गाते हैं वो गाता है तो उसे बोलते हैं नट्टू वानर तो नट्टू वानर एक्चुअल में एक मैन है जो कि डांसर के साथ रहता है जो कि गाना भी गाता है ऑर्केस्ट्रा वाला के साथ जो है तालमेल बिठाता है और उसका बेसिकली डांसर का गुरु भी होता है ठीक है तो नट्टू वानर बेसिकली गुरु है ठीक है जो कि म्यूजिक कंपोजर भी है वोकलिस्ट भी है डांस मास्टर भी है राइट तो भरतनाट्यम में जो है एक मैन जो कि ये सब चीजें करता है उसे बोलते हैं नट्टू वानर इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है बाकी जो ऑप्शन है उसमें आप ये देख सकते हैं कि आ, कौन सा आ, स्टेट का कौन सा क्लासिकल डांस है जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है उड़ीसी उड़ीसा का है नाम से पता चल रहा है कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है टोटल एट क्लासिकल डांसेस है इंडिया में जो आपने डिटेल में पढ़े होंगे चलिए ये वाला बताओ फटाफट से द फाइन फॉर एस्टिंग पब्लिक लैम्प में एक्सटेंड टू कितने रुपए का जुर्माना लगता है हां जी सार्वजनिक लैंप को बुझाने का जुर्माना कितना बढ़ाया जा सकता है हां जी एज पर सेक्शन 141 फोर्टी वन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू थाउजेंड थ्री ऑप्शन दें आपको टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड या फाइव थाउजेंड राइट right. 2000 इसका राइट right आंसर है दो हजार तक का जुर्माना लग सकता है अगर आपने सार्वजनिक लैंप को बुझाया ठीक है पब्लिक लैंप को अगर आपने तोड़ा हार्म किया बुझाया तो आपको इतना तक जुर्माना देना पड़ सकता है चले आगे हाँ जी क्या पूछा है आपसे हु अमंग द फॉलोइंग साइंस फिक्शन पॉपुलर साइंस राइटर्स रॉड 2001 एज स्पेस उड़ीसी एंड एंडिशन ऑफ ए प्रोफेसर एट द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद आपसे पूछा है कौन से साइंस राइटर है जिन्होंने ये बुक लिखी है बुक का नाम लिखा हुआ टू थाउजेंड वन स्पेस ओडिसी ये बुक का नाम है और जिन्होंने वो बुक लिखी है वो प्रोफेसर रह चुके हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन है आईसेक एसिमोव आर्थू सी क्लार्क जूल्स वर्ने या एच जी वेल हाँ जी बताइए राइट जो बी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है ठीक आर्थर, आर्थर है उनकी ये बुक है इसके अलावा उनकी और भी फेमस बुक है जो टीसीएस पूछ सकती है इसलिए आपको पता होना चाहिए जैसे कि रामा सीरीज चाइल्डहुड एंड सिटी एंड दाउंटेन्स ऑफ पैराडाइज ये सभी उन्होंने लिखी है आर्थर सी क्लार्क ने चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं जैसे कि आईसेको ने क्या लिखा है फाउंडेशन सीरीज एंड रोबोट सीरीज उन्होंने लिखा लिखा है है जूल्स वर्ने ने क्या जर्नी टू द अर्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अर्थ टू द मून ये उन्होंने लिखा है ट्वेंटी थाउजेंड लीग अंडर द सी ये उन्होंने लिखा है ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट है ये कुछ फेमस हुई थी लिखा उन्होंने और भी है लेकिन ये फेमस थी जिनके ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के राइट right? तो एटलीस्ट इनको तो आपको याद रखना ही है फिर है एच जी वेल ये इन्होंने क्या लिखा है टाइम मशीन वॉर ऑफ़ द वर्ड एंड इनविजिबल मैन ये इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें से कौन सा डांस फॉर्म है जो आसाम से ओरिजिनेट हुआ है असम से ओरिजिन है उसका उस डांस का सत्रिया लावनी गोटीपुरा या छऊ हाँ जी क्या है आंसर राइट सत्रिया ठीक है तो सत्रिया डांस फॉर्म जो है ये इसका ओरिजिन जो है वो कहां से हुआ है असम से हुआ है ठीक है इसके अलावा महाराष्ट्र के डांस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार, बार टी सी किसी ना किसी तरीके से पूछती है तो यहीं पे 79 क्वेश्चंस जब हम इस दो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं इसी में एटलीस्ट सिक्स टू सेवन क्वेश्चंस जो है वो डांसेस से पूछे हैं जो कि सारे के सारे महाराष्ट्र से हैं और भी पूछे हैं लेकिन महाराष्ट्र के डांसेस बहुत सारे पूछे हैं तो यहाँ पे तो लावनी लिखा है लेकिन आगे एक डिटेल में मैं आपको कराऊंगी जहाँ पे महाराष्ट्र के सारे डांसेस हैं जिसमें कि तमाशा भी है लेजियम भी है लावनी भी है ठीक है तो ये सारे इसको हम आगे करेंगे महाराष्ट्र की डांसेस को अलग से अभी आपको ये याद रखना है गोटीपुआ डांस जो है वो उड़ीसा का है छऊ डांस जो है वो वेस्ट बंगाल झारखंड दोनों ही जगह पे होता है छऊ डांस ठीक है फिर अः इंपॉर्टेंट दूसरी कुछ इंफॉर्मेशन इन, यहाँ पे दी गई है जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी इसमें जो है एट क्लासिकल डांसेस है कौन से एट क्लासिकल डांसेस हैं ये पढ़ते हैं आप जब प्रिपरेशन करते हैं एस की तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का कथक है उत्तर प्रदेश का कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का उड़ीसी उड़ीसा का है कथकली कली केरला का है गोटिया नृत्य वेस्ट बंगाल का है सत्र आसाम का है मणिपुरी मणिपुर का है एंड मोहिनी नट्टम भी केरला का है तो केरला के दो है मोहिनी नट्टम एंड कत्थक कली राइट इसको आपको ध्यान में रखना है फिर आगे चलते हैं बुक दी गई है बुक का नाम है मिसेज फनी बोन्स ये किसने लिखी है हाँ जी रेखा जूही चावला ट्विंकल खन्ना सोनाली बिंद्रे मिसेज फनी बोन्स राइट ट्विंकल खन्ना जो ट्विंकल खन्ना है ये भी आ, राइटर है आ, एक्टर भी है एक्ट्रेस भी है और राइटर भी है तो इन्होंने ये बुक लिखी है मिसेज फनी बोन्स इसके अलावा और भी उन्होंने कुछ और आ, दूसरी बुक्स भी लिखी है जैसे पजामाज आर फॉर गिविंग लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ठीक है यह लिखा है ट्विंकल खन्ना ने आगे चले हाँ जी द ओपन हैंड मॉन्यूमेंट इन चंडीगढ़ वॉज डिजाइन बाय चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था क्या ऑप्शंस आपको दिए गए हैं मैथ्यू नोविक्की मैक्सवेल फ्राई ली कॉबुजियर अल्बर्ट मेयर क्या है इसका आंसर हाँ जी क्वेश्चन नंबर सेवन पे हम पहुंच चुके हैं राइट ली ठीक है तो ली कॉर्बूज ने इसको डिजाइन किया था ओपन हैंड मॉन्यूमेंट चंडीगढ़ में इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है चंडीगढ़ सिटी किसने डिजाइन की थी तो वो किसने की थी इन्होंने की थी ली कॉरबूजियर ने फिर मैथ्यू नोविकी जो है ये क्या रह चुके हैं चीफ आर्किटेक्ट है थे ये न्यू इंडियन सिटी ऑफ चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट का नाम जो है पहले भी आ चुका है एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट है फिर आता है अल्बर्ट मेयर जो है नोन फॉर प्लान ऑफ चंडीगढ़ चंडीगढ़ का जो प्लान है वो इन्होंने बनाया था अल्बर्ट मेयर ने तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी uh, सांगकेन सांग uh, सांगेन इज अ फेस्टिवल ऑफ कहाँ का है ये जैन बुद्धिस्ट सिख क्रिश्चियंस कौन सी कम्युनिटी का फेस्टिवल है ये कौन सी कॉम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है जैन बुद्धिस्ट सिख गेन, हाँ जी बताइए राइट right, जो बुद्धिस्ट कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है बीस का आंसर है बुद्धिस्ट जो है वो गेन ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं इसके अलावा और भी काफी सारे फेस्टिवल्स uh, हैं जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है जैसे कि हेमिस फेस्टिवल ठीक है ये हेमिस फेस्टिवल कहाँ होता है लद्दाख में होता है ज्यादातर फिर आता है लोसर फेस्टिवल लुम्बिनी फेस्टिवल राइट फिर आता है रुमटेक छाम फेस्टिवल मनी रिमदू फेस्टिवल ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है फिर बात करते हैं जैन फेस्टिवल्स की जैन फेस्टिवल कौन से हैं अः uh, पार्युषान शर्मा शे, कालांग यहाँ से आप देख लीजिएगा कौन सा पर्व है ये नंदीश्वर अष्टनिका राइट ज्ञान पंचमी राइट ये सारे जो है ये जैन फेस्टिवल्स है अब बैसाखी विसा, जो है ये सबको पता है ये तो सिख फेस्टिवल है सबसे बड़ा है हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है इसको हरियाणा पंजाब में क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का है ये तो नाम से ही पता चल रहा है ठीक है तो सांकेन को आप ध्यान में रखिए और बुद्धिस्ट फेस्टिवल इसके अलावा जो है वो भी आपको याद रखना है चलिए हाँ जी ऑनर्ड विद पदम विभूषण एंड पद्म भूषण किशोरी अमोनकर वॉज पर्सनालिटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड आपसे पूछा है किशोरी अमोनकर जो है जिनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिला है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है साइंस इकोनॉमिक्स डांस या म्यूजिक हाँ जी बताइए राइट म्यूजिक से रिलेटेड है किशोरी अमोकर ठीक है म्यूजिक वोकलिस्ट है क्लासिकल म्यूजिक गाती है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट है और कौन कौन से घराने uh, की सिंगिंग को वो गाती है जयपुर घराना चलिए आगे चलें Which of the following musical instruments is also known as a नोन एज इसमें से किस वाद यंत्र को मंगल वाद के नाम से भी जाना जाता है शहनाई तबला संतूर या डमरू हाँ जी मंगल वैद्य बताइए मंगल वैद्य जो है ना शहनाई को बोला जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई Uh, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा रियल में भी देखा होगा और टीवी वगैरह में भी देखा होगा तो शहनाई जो है उसको बोला जाता है मंगल वैद्य और शहनाई के जो सबसे फेमस शहनाई प्लेयर है उनका नाम है उस उस्ताद बिस्मिल्ला खान ठीक है और शहनाई एक तरह का क्या है ये भी पूछा जा सकता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है या विंड इंस्ट्रूमेंट है तो याद रखिए शहनाई जो है विंड इंस्ट्रूमेंट है सभी को पता है ठीक है आगे से कुछ आ, ऐसा होता है पीछे से थोड़ा नैरो होता है और यहां से कुछ ऐसा होता है ठीक तो है तो शहनाई बोलते हैं इसे पुराने टाइम में शादियों पर या आ, किसी ऑस्पिशियस ओकेजन पर बजाया जाता था ठीक है मेटल और वुड का बना होता है राइट चलिए आगे चलते हैं हाँ जी अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिशियन वॉज अ पार्ट ऑफ अ बैंड नेम प्लान ड्रम अलोंग विद

वो एक बैंड के मेंबर थे बैंड का नाम दिया गया है और इस बैंड को जो है ना ये वाला ड्रम ठीक है इसके अलावा ये लोग भी इसी बैंड के मेंबर से इस बैंड को मिला था आ, ग्रैमी अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का और वो इस कैटेगरी में सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड था कब मिला था 1992 में अब आपको इंडियन म्यूजिशियन का नाम बताना है जो इस बाकी आ, बैंड के मेंबर्स के साथ गाया करते थे हाँ जी ऑप्शन क्या है भीमसेन जोशी जाकिर हुन रविशंकर हरिप्रसाद चौरसिया right. राइट राइट तो जाकिर जाकिर हुसैन हुसैन इसका आंसर है है ठीक तो जो है वो तबला वादक है ठीक है तबला बजाते थे और वो इस बैंड के साथ थे और इसको मिला था ग्रैमी अवार्ड राइट चलिए जी तो जाकिर हुसैन जो थे वो तबला वादक थे और भीमसेन जोशी जो है वो किसने जा, जाने जाते हैं वॉकलिस्ट है ख्याल सिंगिंग ख्याल जो स्टाइल है घराना जो है उसकी सिंगिंग uh, से रिलेटेड है ये फिर आते हैं रविशंकर सबको पता है सितार प्लेयर है फिर हरिप्रसाद चौरसिया ये फ्लूट प्लेयर है चलिए हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है ललिता इज अ फॉर्म ऑफ फ्रॉम ललिता नाम भी होता है वैसे तो लड़कियों का लेकिन ललिता यहाँ पर एक फोक म्यूजिक है जो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है ये आपसे पूछा है ऑप्शंस दिए हैं मध्य प्रदेश राज, राजस्थान महाराष्ट्र एंड गुजरात हाँ जी बताइए राइट right, महाराष्ट्र देखिए मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के बहुत सारे या तो फोक म्यूजिक और डांस बहुत सारा कुछ पूछा गया है तो अः यहाँ पे इस सीरीज में मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि डांसेस पे और आर्ट फॉर्म पे कल्चर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक दो स्टेट पे ही ज्यादा आ रहे हैं तो उन चीजों को आप ध्यान में रखिए उन चीजों को याद कीजिए बार बार रिवाइज कीजिए राइट जैसे कि यहाँ पे अभी पीछे महाराष्ट्र का एक और था जो हमने अभी पीछे याद किया था चलिए तो ललिता जो है वो क्या है इज अ फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक है जो कि महाराष्ट्र का है इसके अलावा बाकी फोक म्यूजिक जो है महाराष्ट्र के वो कौन से हैं भजन बरूद कौल कीर्तन ललिता अभंग एंड तुम्बड़ी सिंगिंग ठीक है फिर आते हैं डांस की बात करते हैं महाराष्ट्र के काफी सारे डांसेस हैं जो फेमस है लावनी जो है आप टीवी वगैरह पे देखते रहते हैं इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है डांगरी गाजा इस पे क्वेश्चन पहले आ चुका है काफी टाइम पहले क्वेश्चन आया था अभी तक नहीं आया है दो तीन टाइम से तो अब दोबारा आने के चांसेस हैं ठीक है फिर कोली डांस फिर आता है पोवड़ा डांस एंड तमाशा तमाशा जो है एक तरह का थिएटर है जिसके अंदर ड्रामा भी है थोड़ी सी सिंगिंग है और एक्टिंग वगैरह भी है तो तमाशा इज अ थिएटर ठीक है थिएटर प्लस डांस फिर लावनी जो है वो पता है सबको फिर कोली डांस है डांगरी डांस है ये सारी चीजें हैं चलिए आगे चले इन विच इंडियन स्टेट इज द फतोरपा जत्रा सेलिब्रेटेड कौन सी इंडियन स्टेट में फतोरपा जत्रा को सेलिब्रेट किया जाता है फतोरपा जत्रा मनाया जाता है मध्य प्रदेश गोवा केरला या हिमाचल प्रदेश बताइए क्वेश्चन नंबर है 53। राइट right, गोवा गोवा जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है गोवा में सेलिब्रेट होता है फतोरपा जत्रा ठीक है एक तरह का टेम्पल फेस्टिवल है एक टेम्पल पे जो फेस्टिवल्स लगते हैं ना उस पर्टिकुलर डीटी को डेडिकेट किया जाता है वो पर्टिकुलर फेस्टिवल उन्हें टेम्पल फेस्टिवल बोला जाता है ठीक है एक वहाँ पे टेम्पल है जिसका नाम है शंता दुर्गा अः करीन ठीक है फतोरपा में है वहां पर इस आ, फेस्टिवल को जो है ना, वो आयोजित किया जाता है ठीक है गोवा में है इसके अलावा फेमस टेम्पल फेयर लगाए जाते हैं इंडिया में जो आपको पता होगा जैसे कि पूरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जो है अः वहां पे पूरी यात्रा रथ यात्रा निकाली जाती है ठीक है उसी पे वही पर टेंपल फेस्टिवल है एक तरह का फिर बात करते हैं यहाँ पे अंबुबासी मेला आसाम में ठीक है ये भी एक तरह का टेंपल मेला है फिर कैला देवी फेयर है जो राजस्थान में लगाया जाता है नंदा देवी फेस्टिवल है उत्तराखंड में इसको आ, जो है आयोजित किया जाता है अगेन टेम्पल फेस्टिवल है तो ये सारे टेम्पल फेस्टिवल्स जो है यहाँ पर लिस्टेड है इनको आप एक बार देख लीजिएगा ठीक है जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं चले आगे हाँ जी नेक्स्ट uh, क्वेश्चन का नाम आपको बताना है दिए ज्ञानी जैल सिंह एपी जी अब्दुल कलाम प्रणब मुखर्जी के आर नारायण हां जी बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर राइट प्रणब मुखर्जी तो प्रणब मुखर्जी जो है वो ऑथर है इस बुक के बुक का नाम है कॉलिशन इसके अलावा और भी बुक्स उन्होंने लिखी है कुछ फेमस बुक्स का नाम यहां पर लिस्टेड है ये देख लीजिए जैसे कि ड्रामेटिक डेकेड, द इंदिरा गांधी इयर्स टर्बुलेंट इयर्स थॉट एंड रिफ्लेक्शन राइट फिर आते हैं फेमस बुक्स की बात कर लेते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है और जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में टीसीएस ने पूछी है कौन सी है विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड टर्निंग पॉइंट इनडोमिटेबल स्पिरिट इंडिया 2020 एंड फॉर्ज योर फ्यूचर तो ये सारी जो बुक्स हैं ये इंपॉर्टेंट एंड फेमस बुक्स हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है ठीक है ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं है बुक्स एंड सेशन लिए देख सकते हैं अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना है बुक्स एंड ऑथर्स चलिए विच डे हैज बीन डिक्लेयर बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज हैंड हाइजीन डे विश्व संस्था संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है फिफ्थ में फोर्टींथ जून बताइए जी, हैंड हाइजीन डे राइट फिफ्थ मे जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है फिफ्थ मे को जो है वो घोषित किया गया है एज अ हैंड हाइजीन डे इसके अलावा जो है नेशनल आइसक्रीम पाई डे भी है ठीक है ये तो हमें पता ही नहीं था चलिए तो नेशनल आइसक्रीम पाई डे जो है वो कब मनाया जाता है एटीनथ अगस्त चलिए मिस नहीं हुआ है आने वाला है तो आइसक्रीम से आइसक्रीम खाइएगा इस दिन में चलिए नेशनल आइसक्रीम पाई डे हो गया एटीनथ अगस्त फिर आता है ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई मार्टियर्स डे शहीद दिवस फिर आता है चौदह जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये जा चुका है ठीक है चलिए आगे चले हु द फॉलोइंग इज एन इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर यहां पे चार ऑप्शन दिए हैं आपको बताना है कि इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर कौन से हैं शांति मलिक अंकिता रैना अदिति चौहान बाला देवी हां जी बताइए क्वेश्चन नंबर है आपका 56 राइट अंकिता रैना ठीक है इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन दिए आपको शांति मलिक और अदिति चौहान बाला देवी ये फुटबॉलर है आगे चलते हैं क्या पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक सॉन्ग जेनरे पॉपुलर इन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल असम एंड बांग्लादेश आपसे पूछा है इसमें से कौन सा लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है चालो रोपी भवैया रेखम पाड़ा हाँ जी हाँ जी भवैया भवैया जो है ये आ, फोक सॉन्ग जो है वो फेमस है वेस्ट बंगाल, असम एंड बांग्लादेश के साइड में ठीक है जो चालो है ना चालो आ, फोक सॉन्ग जो है ये है हरियाणा से रोपी जो है ये है अरुणाचल प्रदेश से और रेखम पाड़ा जो है ये है अरुण ये भी अरुणाचल प्रदेश से है राइट चलिए इसको आप देख लीजिएगा हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ, फिल करना है यहां पर एक पॉपुलर फोक डांस ऑफ मिनीकॉय आइलैंड मिनीकॉय आइलैंड का मिनीकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य इनमें से कौन सा है हाँ जी ले लेशास पत्तु आला आलू यत्तु लावा या मोयाशाई हाँ जी बताइए क्वेश्चन नंबर राइट लावा इसका राइट right आंसर है ठीक है, तो, है ये पॉपुलर फोक डांस है मिनिकोय आइलैंड का ठीक है तो लावा इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ मिनिकोय आइलैंड, इसके अलावा नागालैंड के फेमस फोक डांसेस कौन से हैं ये वाले हैं लेशलापतु आलुयातू एंड मोयायाशी, इसके अलावा है मोड से डांस ये इंपॉर्टेंट है बेंबू डांस ठीक है फिर बटरफ्लाई डांस आता है सडल कई आता है चंगई डांस आता है कुकी डांस आता है कुकी ट्राइब है वहां पे नागालैंड की कुकी ट्राइब वो इसको परफॉर्म करती है राइट फिर आता है लंबा लिम मयूर डांस राइट ये इंपॉर्टेंट है अः बाकी सारे जो है ये आप देख लीजिएगा चलिए हाँ जी फेस्टिवल का नाम है दुर्गा पूजा जो कि कहां पर सेलिब्रेट होता है महाराष्ट्र बंगाल में कोलकाता साइड इस साइड में इसको सेलिब्रेट uh, करते हैं तो फेस्टिवल है दुर्गा पूजा इज ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द ट्रायम्फ ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर ठीक है किसकी जीत को सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा की जीत uh, किसके ऊपर ये आपको बताना है uh, शारा संता के ऊपर या uh, हरिंका शिपू या महिषासुर इजी है क्वेश्चन ठीक है तो दुर्गा की uh, दुर्गा जो गॉडेस है उनकी जीत हुई थी महिषासुर के ऊपर महिषासुर को उनको उन्होंने हरा दिया था मार दिया था तो उस जीत को सेलिब्रेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेस्टिवल जिसका नाम है दुर्गा पूजा ठीक है हो गया इसके अलावा वेस्ट बंगाल झारखंड और Uh, उड़ीसा की साइड में इसको ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदुइज़्म ये सभी को पता है दस दिन का होता है और अश्विना सितंबर uh, इस मंथ में होता है अश्विना मंथ में होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में ठीक है फेमस फेस्टिवल कहाँ का है वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा का लेकिन आजकल क्योंकि हर कम्युनिटी के लोग हर जगह में रहते हैं तो ये काफ़ी जगहों पर uh, जो है नॉर्थ में भी सेलिब्रेट होता है ठीक है अगर एरिया uh, पर्टिकुलर आपको पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल झारखंड और उड़ीसा की बात यहाँ पर कही गई है तो वहां का फेमस है ये हाँ जी इन विच डिसन विदान चंद्र रॉय पुरस्कार किस किस विषय में दिया जाता है लॉ आर्किटेक्ट स्पोर्ट्स या मेडिसिन क्वेश्चन नंबर है सिक्सटी वन राइट मेडिसिन तो मेडिसिन की फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है अवार्ड का नाम है विदान चंद्र रॉय कब स्टार्ट हुआ था 1962 में ये में स्टार्ट हुआ था इसके अलावा बाकी भी देख लेते हैं पता होना चाहिए कि लॉ की फील्ड में अगर अवार्ड मिलेगा तो कौन सा नाम होगा उस अवार्ड का लीगल एरा अवार्ड ठीक है नाम से थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हैं फिर आता है प्रिंट्सकर अवार्ड प्रिंसकर अवार्ड जो है ये मिलता है आर्किटेक्चर की फील्ड में आर्किटेक्चर की फील्ड में ये दिया जाता है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं वो आपको पता है ठीक है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अर्जुना अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड इसके अलावा अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग -अलग, अलग अलग कप है ट्रॉफीज हैं वो आपको पता है जैसे फुटबॉल के लिए है संतोष ट्रॉफी है ठीक है ऐसे ही क्रिकेट के लिए भी अलग है ये सारी चीजें जो है आपको ऑलरेडी पता है स्पोर्ट्स और उसकी ट्रॉफीज और उसके टूर्नामेंट्स के बारे में एक अलग सेशन हमने किया था पिछले मैराथन सीरीज में अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप वो टॉपिक अभी प्रिपेयर कर चुके हैं या करना चाहते हैं और रिवीजन भी चाहिए आपको तो आप वो वाला जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी केलुचरण महोपात्रा वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी केलुचरण महोपात्रा इनमें से किस श्रेणी के प्रतिपादक है मणिपुर भरत भरतनाट्यम मणिपुरी होना चाहिए यहाँ पे वैसे मणिपुरी भरतनाट्यम कुचिपुड़ी उड़ीसी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू राइट ये जो है ये है उड़ीसी एक्सपर्ट ठीक है उड़ीसी डांस के एक्सपर्ट है ये इसके अलावा उड़ीसी डांसर्स और भी काफी सारे हैं जिनका नाम जो है नॉर्मली पूछा जाता है और उसमें से सबसे फेमस है ये वाला नाम सोनल मानसिंह जहां मैंने डांसेस की बात की थी वहां पे मैंने इनकी पिक्चर भी डाली थी जो एस uh, एस का मैराथन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो उड़ीसी डांसर है सोनल मानसिंह इनके बारे में ऑलरेडी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है uh, बाकी भी आप याद कर लीजिए हो सकता है बाकी पूछा जाए जैसे कि झेलम परांजपे फिर आता है मयाधर रॉत गंगाधर प्रधान लीना अटार uh, सिटी ठीक है ये सारी uh, जो है फेमस पर्सनालिटीज हैं जो उड़ीसी डांस सरस है उड़ीसी डांस करती है फिर आता है भरतनाट्यम डांसर्स की बात आती है उसमें इंपॉर्टेंट है रुक्मिणी देवी पदमा सुब्रमण्यम ये इंपॉर्टेंट है यामिनी कृष्ण मूर्ति इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाकी भी आपको याद करना जरूरी है जैसे कि मल्लिका सारा भाई एंड अलार मिली वल्ली चलिए बाकी आप ये यहां से देख लीजिएगा जैसे कि मणिपुरी डांसर्स जो है वो कौन कौन से हैं और निर्मला मेहता हुई ठीक है झावेरी हुई ये है फिर कुचिपुड़ी डांसर्स मल्लिका सारा बाई वी सत्यनारायण शर्मा ठीक है दीप शशिधरन ये सारी जो है ये कुचिपुड़ी डांसर्स है इसके अलावा और क्या हो सकता है एक नाम दो डांसेस डा, डांसेस के लिए भी हो सकता है एक डांसर जो है वो दो डिफरेंट टाइप के भी डांसेस करता है तो इस चीज का भी ध्यान रखना आप जब आप ये टॉपिक जो है प्रिपेयर करेंगे राइट चलिए आगे चलते हैं ऑथर ऑफ द बुक अनस्टम अर्थ ये बुक है अनअकस्टम्ड अर्थ और इनके ऑथर का नाम आपसे पूछा है कल वाली सेशन में भी मैंने ये कराया था आपको अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि इनका ऑथर जो है वो है जुम्पा लहरी ठीक है इंपॉर्टेंट ऑथर है ऑथर और बुक्स पे एक हमने अलग से वीडियो बनाया था वो आप वहां जाके अगर आपको डिटेल में करना है और आपको लगता है कि ज्यादा याद रहे आपको विद पिक्चर्स तो आप वहां देख सकते हैं ठीक है तो कौन कौन सी बुक है इनकी जो फेमस है अनअकस्टम्ड और एंटरप्रिटर एंटरप्रिटर ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज नेम से लो इन अदर वर्ड्स ठीक है ये सारी चीजें हैं इसके अलावा जो है अरुंधति रॉय ये भी इंपॉर्टेंट ऑथर uh, है और इनके इनकी काफी सारी बुक्स जो है वो एस एस सी पूछता है जैसे कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हुआ मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हुआ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत बार पूछा जा चुका है अः uh, इसके अलावा है द डॉक्टर एंड द सेंट आजादी वॉकिंग विद द कॉम्रेड्स राइट फिर आता है अनीता नायर अनीता नायर जो है वो लेडीज है मिस्ट्रेस लेडीज को इन्होंने लिखा है ये फिर है मिस्ट्रेस लेसन इन फॉरगेटिंग एंड लिलिया हाउस शोभा डे शोभा डे ने लिखा है स्ट्रेंज ऑब्सेशन स्नैपशॉट सिस्टर एंड सल्ट्री डेज ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है ये आपको करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें से कौन सा uh, जो है एक तरह का मास्क डांस डांस है जो कि पॉपुलर है साउथ मालाबार में तो साउथ मालाबार का वो डांस जिसको बोला जाता है मास्क डांस तो उसमें मास्क लगाया जाता है फेस पे तो बताइए कौन सा डांस है आ, हां जी धांगर कुमाती कली परिचा कली या फिर झेमाडो बताइए हिंदी में क्वेश्चन कुछ दूसरा दे रखा है पीछे वाला है आप यहां पे देखिए इंग्लिश वाला जो है बिल्कुल सही लिखा है क्वेश्चन नंबर है सिक्सटी फोर कुमाती right. कली तो कुमाती कली जो है एक तरह का मास्क डांस है जो कहां पर है, कहां का डांस है साउथ का ठीक है केरला का फिर आता है डांगर डांगर जो डांस है ये शेफर्ड कम्युनिटी परफॉर्म करती है जो गोवा में रहती है ठीक है किस ओकेजन uh, पे करती है ये करती है नवरात्रि के टाइम पर इसको इस डांस को परफॉर्म किया जाता है फिर आता है परिचा कली परिचा कली एक तरह का ट्रेडिशनल फोक डांस है कहाँ का लक्ष्यदीप का बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं अदर फेमस फोक डांसेस जो है, जो हैं साउथ इंडिया के हैं वो आपको याद रखने हैं जैसे कि केरला का, का कौन सा है पदायानी ठीक है जैसे पेडनी भी बोलते हैं फिर कुमी कोलाट्टम तमिलनाडु का है ठीक है करगम एंड पुलिवेशम ये भी तमिलनाडु का है तो ये सारे डांसेस जो हैं आपको याद रखने हैं राइट चलिए हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इन पोर्टेबल वाटर एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीएसआई यानी कि ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड ने एक लिमिट सेट की हुई है कि पोर्टेबल वाटर यूज करने लायक इस्तेमाल करने लायक जो पानी है उसका मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए टर्बिडिटी का टर्बिडिटी मतलब कि कितना धुंधला पानी है वो ठीक है क्लाउडीनेस जो है ना पानी के अंदर उसको एक टर्म दी जाती है टर्बिडिटी जनरल टर्म है सबको पता है ठीक है इसकी एक लिमिट होती है वो आपको बतानी है जो बी ने सेट की हुई है भाई इससे ज्यादा जो है अगर पानी हुआ तो वो यूज करने लायक नहीं है इससे ज्यादा अगर टर्बिडिटी हुई तो वो यूज करने लायक नहीं है तो थ्री एन टीयू फाइव एन टीयू सेवन एन टी यू एंड वन एन टीयू बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव राइट आंसर इसका फाइव एन है ठीक है अगर ये मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है इससे ऊपर जो है वो इस्तेमाल करने लायक पानी नहीं है राइट तो एन का फुल फॉर्म है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट ठीक है जो कि मेजर करती है टर्बिडिटी इन फ्लूड फ्लूड्स में कितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उतनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी अगर उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स कम है तो टर्बिडिटी कम होगी राइट ये तो एक जनरल टर्म है जो आपको आ, पता होगा चले आगे हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए हैं ये चारों ही फेस्टिवल्स हैं आपको बताना है इसमें से कौन सा फेस्टिवल उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन क्या दिए हैं ऑप्शन दिए हैं फूल फूलदेही ढोल या राइट? Right. ऑप्शन फूल देही। फूलदेही फूलदेही जो है ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को और किस सीजन में किया जाता है मार्च अप्रैल के बीच में किया जाता है चैत्र सीजन बोलते हैं उसको और ये एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ठीक है हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम पे क्रॉप्स की उस टाइम पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है फिर बात आती है विशु की विशु एक तरह का हिंदू फेस्टिवल है ये केरला के लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं फिर बात करते हैं ढोल जत्रा की ढोल जत्रा को ढोल उत्सव भी बोलते हैं और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में नोखाई नोखाई कहाँ का है ये है वेस्टर्न उड़ीसा का एक तरह का, का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है मेनली ऑब्जर्व बाय पीपल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा ठीक है वेस्टर्न उड़ीसा में जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है चलिए आगे चलते हैं व्हाट इज लोकेटेड इनसाइड द इन ऑफ़ अकाल तख्त साहिब अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है हाँ जी बताइए ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए अकाल तख्त साहिब जो है कौन से परिसर में स्थित है ठीक है तो आप समझ जाइए यहाँ से आ, गोल्डन टेम्पल पोटा साहेब पटना साहेब गुरुद्वारा बंगला साहेब गोल्डन टेम्पल तो गोल्डन टेम्पल में अंदर एक अकाल तख्त पड़ा है बहुत बड़ा सा है ठीक है जो गोल्डन टेम्पल गए हैं अमृतसर में उनको पता होगा इस बारे में क्योंकि अंदर ही वो रखा हुआ है और वहां पे जो है भजन कीर्तन कुछ ऐसा होता रहता है ठीक है तो श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जो है उन्होंने फाउंडेशन रखा था स्टोन रखा था नींव रखी थी अकाल तख्त की इसी बिल्डिंग में गुरुद्वारे में अः सोलह सो पांच में राइट ये इंपॉर्टेंट है फिर बात करते हैं पोंटा साहिब की जो हमारा दूसरा ऑप्शन है आ, वो जो है किसने बनाया था पोंटा साहिब का नींव किसने रखा था हु द फाउंडर ऑफ पोंटा साहिब तो है टेंथ सिख गुरु है जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह फिर पटना साहिब पटना साहिब जो है वो महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने बनवाया था फिर बात करते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब की ठीक है ये गुरु जो है, गुरु हर कृष्ण उन्होंने इसकी नींव रखी थी राइट right? चलिए आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग डांस चेयर्स ऑन हेड विद लाइटेड दियास आर परफोर्म बाय वुमेन इनमें से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिया दियो के साथ प्रदर्शन किया जाता है हाँ जी डांगरी गाजा डांस कोली डांस तमाशा डांस या चारी नृत्य क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट राइट कोली डांस तो कोली डांस एक तरह का डांस है जो औरतें परफॉर्म करती हैं, मेल नहीं करते हैं और औरतों के सर पे जो है एक तरह के जलते हुए दिए होते हैं ठीक है महाराष्ट्र का ये डांस है अगेन महाराष्ट्र देखिए इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के सारे डांस आप करके जाइएगा ठीक है फिर आता है डंगरी गाजा डंगरी गाजा भी महाराष्ट्र का है जो परफॉर्म किया जाता है गॉड की ब्लेसिंग लेने के लिए तमाशा तमाशा भी एक तरह का थिएटर फॉर्म है जो मिक्स है प्ले भी है म्यूजिक भी है और डांस भी है उसमें फिर बात करते हैं चारी चारी जो है ये डांस जो है एक तरह का आर्ट है आ, ठीक है आ, क्या है ये चारी डांस डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग वाटर इन चारी और पोर्ट बाय द राजस्थानी वुमेन चारी भी एक तरह का डांस है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि औरतें जो है पानी भरने कैसे जाती है ठीक है एक तरह का आर्ट फॉर्म है आगे चले हाँ जी नेक्स्ट uh, क्वेश्चन क्या है अंडर द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी अ सिटी दैट स्कोर्स पॉइंट्स बिटवीन 34 एंड 66 नीड्स कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इज कलर्ड कोडेड राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत एक शहर जो uh, 34 से 36 के बीच अंक प्राप्त करता है जिसमें काफी सुधार की आवश्यकता होती है उसको क्या रंग कोड दिया जाता है ग्रीन ब्लैक ब्लू या रेड बताइए कौन सा कोड दिया जाता है उस सिटी के लिए राइट right. जो ब्लैक कह रहे हैं बिल्कुल सीख है ब्लैक कोड दिया जाता है कलर कोड राइट right. तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो लिमिट होती है थर्टी फोर सिक्स सिक्स तक होती है Uh, हाँ ये दिया जाता है इसमें फिर रेड कोड कलर जो है उन सिटीज को दिया जाता है जिसमें इमीडिएट रेड एक्शन किया जाता है लेस देन थर्टी थ्री फिर आता है ब्लू कलर कोड ये है रिकवरिंग बट स्टिल डिजीज डिजीज है सिक्सटी सेवन से नाइनटी के बीच और फिर आता है ग्रीन कलर हेल्दी एंड क्लीन सिटी 91 वन से हंड्रेड चलिए आगे चलते हैं हाँ जी ये क्वेश्चन जो है ये क्या है एस पर डब्ल्यू एच ओ विच ऑफ द फॉलोइंगल ऑफ डिसम एट ट्रेडिशनल प्लांट टिटेनियम ब्रोमेट क्लोरेट या क्लोराइट डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल नहीं है डिस बाय प्रोडक्ट करने का फॉर्म्ड एट ट्रेडिशनल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट जब ट्रेडिशनल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स बनता है इसमें से कौन सा उसका नहीं है ब्रोमेट क्लोरेट क्लोराइड ये सारी चीजें तो इस ट्रीटमेंट uh, में यूज होती हैं क्या यूज नहीं होता है क्या एग्जाम्पल नहीं है आंसर है टिटेनिया राइट right? तो जो टिटेनिया है वो एक तरह का क्या है एक वाइट ओपेक नेचुरल क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है और पेंट कोटिंग पेपर्स टूथपेस्ट पाउडर फेस पाउडर इन सब चीजों में जो है ना ये यूज होता है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इजी क्वेश्चन है ऑप्शंस क्या दिए आपको सी डी देशमुख एच वी आर लेंगर सी भट्टाचार्य एल के झा क्वेश्चन नंबर है सेवेंटी वन हां जी बताइए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन राइट सी डी देशमुख इसका राइट right आंसर है ठीक है बाकी भी आप देख सकते हैं जैसे कि शक्तिकांत दास जो है वो ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के आरबीआई कब इस्टिश हुआ सबको पता है 1935 और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें जो हैं आपको ऑलरेडी पता है कौन से कमीशन जो है वो सेटअप हुआ था हिल्टन यंग कमीशन ये सारी चीजें जो आपको है ना बहुत अच्छे से पता है बेसिक है जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ये काफी सारी चीजें आप पढ़ते हैं चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डेकेट्स वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज द इंटरनेशनल डेकेट फॉर एक्शन ऑन वॉटर फॉर लाइफ 1994 नाइनटी फोर टू टू दो हजार चार नाइनटीन टू टू या फिर 2005 से 2015 क्या है इसका आंसर हाँ जी राइट डी का आंसर है 2005 से 2015 का जो आ, डेकेट था उसको बोला जाता है आ, उसको जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर ने किया है एज अ डेकेट फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ हाँ जी यहां से आप दे, देख सकते हैं 2005 से 15 का जो डेकेट है वो उसे बोला जाता है इंटरनेशनल डेकेट फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ फिर जो 1994 से 2004 तक का है उसे बोला जाता है डेकेड ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल फिर बात करते हैं 1983 से 93 तक की बात इसको बोला जाता है डेकेड टू कॉम्बैट रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फिर 2021 और 30 वाला जो है उसे क्या डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ने डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और 2014 से 24 वाला जो डेकेड है उसको क्या बोला है यूनाइटेड नेशन डेकेट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल चलिए जी घूम मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन जो घूम मोनेस्ट्री है वो कहां पर है गंगटोक नामच कालीपोंग या दार्जिलिंग बताइए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री राइट right, दार्जिलिंग दार्जिलिंग में है घूम मोनेस्ट्री राइट right? तो फर्स्ट तिब्बतन मोनेस्ट्री है ये दार्जिलिंग की फिर आती है फेमस मोनेस्ट्रीज जो इंडिया में बहुत फेमस है लद्दाख की ये जो मोनेस्ट्री है हेमिस मोनेस्ट्री ये बहुत फेमस है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हमने प्रीवियस से प्रीवियस सेशन में कहीं ना कहीं इसको डिस्कस किया था फिर आता है टैबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश और बाकी मोनेस्ट्रीज भी हैं जैसे लद्दाख की एक और है थिक्सी मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश ये सारी मोनेस्ट्रीज जो है यहाँ पे लिखी है एक बार इनको आप देख लीजिएगा चलिए अ डिस्टिंग ध्रुपद स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द घराना जो म्यूजिक है क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है उसको फर्दर जो घराना में जो डिवाइड कर दिया गया है और उस हर घराना का जो गाने का जो तरीका है वो अलग अलग है तो एक ध्रुपद स्टाइल है वो कौन से घराना से एसोसिएटेड है ये आपको बताना है अजरादा नादवाड़ा जैफर खानी या बिष्णुपुर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर राइट बिष्णुपुर इसका राइट right आंसर है द्रुपद स्टाइल जो है वो बिष्णुपुर घराना से एसोसिएटेड है ठीक है इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन लिखिए यहाँ पे तानसेन जो थे वो भी द्रुपद इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे फेमस थे ठीक है द्रुपद जो है एक तरह का ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ मेजर वोकल स्टाइल है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का बाकी जो चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट right? चलिए आगे चले वट डू यू कॉल द मैक्सिमम सस्टेनेबल साइज ऑफ अ रेजिडेंट पॉपुलेशन इन अवन इको सिस्टम जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं इकोनॉमी पढ़ते हैं इको सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में तब इको सिस्टम में बहुत सारी टर्म्स जो है वो यूज होती है तो आपको यहाँ पे बताना है वट डू कॉल द मैक्सिमम सस्टेनेबल साइज ऑफ अ रेजिडेंट पॉपुलेशन उसको क्या टर्म दी गई है इको के अंदर सेंसेस क्रूड ऑयल कैरिंग कैपेसिटी या केस रेट रेजिडेंट पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है उसका मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए रेजिडेंट पॉपुलेशन का इन अ गिवन इकोसिस्टम वो आपको बताना है क्या टर्म यूज होती है राइट कैरिंग कैपेसिटी ठीक है हाँ जी तो कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है पर्टिकुलर uh, ये है कैरिंग कैपेसिटी इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज एंड एनवायरमेंट कैन सपोर्ट इन डेफिनेटली इसको आप यहां से देख लीजिएगा चलिए आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डोम ऑफ इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2021 2021 अप्रैल तक uh, का लार्जेस्ट डोम कौन सा है अलाई दरवाजा ढाई दिन का झोपड़ा गोल गुम्बज या डेटा दरबार हां जी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स राइट गोल गुम्बस ठीक है लार्जेस्ट डोम है ये कहां पर है बीजापुर कर्नाटका ठीक है कब कंस्ट्रक्ट हुआ था सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स में और कौन इसके आर्किटेक्ट थे याकुत ऑफ बाबुल दबुल फिर अलाई दरवाजा सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 में Uh, कहाँ पे लोकेटेड है uh, नई दिल्ली में जहां पे कुतुब मीनार है ना उसको बोलते हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं तो अलाई दरवाजा भी उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है फिर आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ग्यारह सौ निन्यानवे में कहा पर अजमेर में फिर डाटा दरबार जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है लाहौर पंजाब पाकिस्तान में लोकेटेड है और लार्जेस्ट सूफी श्राइन है इन साउथ एशिया चलिए आगे चलते हैं पोवाड़ास इज अ पॉपुलर फोक डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ पोवदास जो है एक तरह का कौन से राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है ये आपको बताना है ऑप्शन क्या दिए हैं ऑप्शन दिए हैं महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान एंड केरला क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन राइट महाराष्ट्र इसका राइट uh, आंसर right है महाराष्ट्र का पॉपुलर डांस है ये uh, पोवादास ठीक है इसके अलावा बाकी डांस आपको पता है लावनी कर चुके हैं लेजियम कोली गोंदल तमाशा और एक है डंगरी पे क्वेश्चन आ चुका है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से कौन सी बुक्स लिखी थी अ बंस ऑफ ओल्ड लेटर्स रिडल इन हिंदुइज्म राणा दे गांधी एंड जिन्ना वेटिंग फॉर वीजा ऑटोबायोग्राफिकल नोट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट राइट अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये जो बुक है ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने ठीक है इसके अलावा जो बाकी बुक्स हैं जैसे कि ये वाली राणा देव गांधी जिन्ना गांधी एंड जिन्ना वेटिंग फॉर वीजा ये जो है ये बी आर अंबेडकर जी ने लिखी है इसके अलावा और भी काफी सारी बुक्स हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है जो टी अपने एग्जाम में पूछता है वो कौन कौन सी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जा चुका है लेटर फ्रॉम ए फादर टू द डॉटर ये पूछा जा चुका है ग्लेम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यूनिटी ऑफ इंडिया कलेक्टिंग राइटिंग्स 1937 से 1940 एंड ऑटोबायोग्राफी ठीक है ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है आगे चलते हैं हाँ जी फिर आपको ईयर फिल करना है एक्ट के अंदर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीनिनेस ऑफ द वाटर बॉडीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट उसके बाद ईयर भरना है अपने यहाँ पे टू सेव गार्ड आर आर वॉटर रिसोर्सेज हां जी जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए के महत्व को समझाते हुए भारत सरकार ने हमारे जल संस्थानों की सुरक्षा के लिए एक जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया था उसका ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है ऑप्शंस हैं 1974 1973 1971 या 69 राइट right, 1974 ठीक है ये है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1974 ठीक है बाकी और भी काफी सारे एक्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट है 1980 वाला प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वो आप यहां से देख सकते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो 1974 में जो है uh, बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन वो आप यहाँ से देख सकते हैं ठीक है चलिए इसके अलावा लास्ट में आज का सेशन यही कंप्लीट हो जाता है हमने डिस्कस कर लिए हैं सेवेंटी नाइन क्वेश्चन इसके अलावा इन दो सेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने नोट करी जो इम्पोर्टेंट है जो आपको बताना जरूरी है क्या चीजें आपको याद रखनी है डैम्स एंड रिजर्वर्ट्स हमेशा आपको याद रखने हैं कौन सा डैम किस नदी पे है कहाँ पे लोकेटेड है राइट right? इंपॉर्टेंट है माउंटेन पास इंपॉर्टेंट है राइट साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स ये जब आप बायो वाला uh, करते हैं ना याद बायो वाला सेक्शन याद करते हैं वहां पर आ जाता है ठीक है नेशनल पार्क याद रखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है आपको स्पोर्ट्स का कप्स स्पोर्ट्स और उनसे रिलेटेड ट्रॉफी कप्स और टूर्नामेंट्स आपको याद रखने हैं रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज जितनी भी अभी तक आई हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है अगर कुछ रह गई हैं तो वो आप अपने तरफ से जो है अपने नोट्स में अलग से भी याद रख सकते हैं वहां पर आ, देख सकते हैं ठीक है फिर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इनसे कौन से बॉर्डर पे कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ठीक है इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच ये नेपाल के बीच में मालदीव्स के बीच में तो ये सारी चीजें भी ना इंपॉर्टेंट है किसको क्या बोला जाता है ठीक है एक लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस की और कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है फिर uh, सबसे ओल्डेस्ट वाटरफॉल कौन सा है हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है लॉन्गेस्ट रिवर ठीक है इसमें सारा कुछ आ जाता है इंडिया का भी और वर्ल्ड का दोनों का हाँ आपको याद रखना है प्राइम uh, मिनिस्टर के लिस्ट आप याद रख सकते हैं लॉन्ग सर्विंग कौन से थे शॉर्टेस्ट कौन से थे ठीक है इंट्रीम प्राइम मिनिस्टर कौन दो बार रह चुके हैं ये आपको याद रखना चाहिए फिर आते हैं फेमस बुक्स एंड ऑथर्स फेमस बुक्स एंड ऑथर्स जो है ये आप अलग से याद करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा उससे बेटर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए हमारी एक वीडियो है जहां पे बुक्स एंड ऑथर्स पे ही हमने सेशंस लिए हैं उसके अंदर मैक्सिमम जितने भी अभी तक टीसीएस ने बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बात की है वो सारे वहां वहा डिस्कस किए तो अगर आप वो भी देख लेंगे तो आपके नाइन्टी सारे बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो कवर हो जाएंगे ठीक है तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस टॉपिक को फिर बात करते हैं फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड ये जो है ये वाला जो है फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड इसके लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन जो प्रीवियस सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे वहां पे पता चल जाएगा आपको ठीक है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन से हैं फादर ऑफ मेडिसिन कौन से थे फादर ऑफ uh, ये जो है बाकी सर्जरी कौन से थे ये सारी चीजें है ना आपको वहीं से पता चल जाएंगी फिर आते हैं फोक डांसेस हाँ इस टॉपिक को आप अलग से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना आपको बहुत जरूरी है फोक डांसेस कौन से हैं स्पोर्ट uh, से रिलेटेड कौन से डांसेस हैं मार्शल आर्ट डांसेस कौन से हैं ठीक है ना और उनका स्टेट कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती है कौन से ओकेजन पे उस डांस को परफॉर्म किया जाता है कौन सा डांस कौन सा जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल पे किया जाता है इस ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोक डांसेज ऑफ इंडिया राइट right. uh, फिर फेमस पर्सनैलिटीज जो है वो आप याद रख लीजिए वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा लेकिन फोक डांसेस आपको अलग से रेडी करना ही पड़ेगा फिर बात आती है फेस्टिवल्स एंड फेयर्स फेस्टिवल एंड फेयर्स इंपॉर्टेंट है कुछ तो इसी सीरीज में हमने ले लिया एक मैराथन वाली सीरीज है वहां पे हमने फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को अलग से भी uh, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप वो देख सकते हैं हाँ जी वर्ड जीके स्टेट जीके ये आपका सबका अपना अपना होता है जो बच्चा जोन सी बुक को फॉलो कर रहा है उसके अंदर जितना लिखा है उतना आप याद रख लीजिए मेरे हिसाब से सफिशियंट है क्योंकि इसका जो है कुछ लिमिट नहीं है कितना भी हो सकता है वर्ड जीके तो फिर बात करते हैं रिलीजियस प्लेसेस रिलीजियस प्लेसेस इजी टॉपिक है हो सकते हैं कवर आर्ट एंड कल्चर कवर हो सकता है इंपॉर्टेंट डेज कवर हो सकते हैं फुल फॉर्म जो है ये कवर हो सकती है ठीक है तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको कवर करना आसान है लिमिटेड है उन्हीं को याद रखना है वही बार बार पूछा जाएगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन जो हर बच्चे का अलग अलग होता है उनको आप अपने तरीके से रेडी कर सकते हैं राइट चलिए तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें किस तरह से आपको टॉपिक्स रेडी करने हैं तैयार करने हैं किन पे ज्यादा फोकस करना है चलिए इसके अलावा मोक टेस्ट आप जरूर लगाएं मोक टेस्ट लगाने के लिए फिनेकल की वेबसाइट पे जाकर आप टेस्ट पास ज्वाइन

शायद तीन दिन में एक बार मोक टेस्ट लगाना चाहिए और जो तीन दिन है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए राइट कुछ टॉपिक्स वो सिलेक्ट कीजिए उसे प्रिपेयर कीजिए एंड देन एक दिन सेलेक्ट कीजिए दो दिन के बाद कि उस दिन आपको मोक टेस्ट लगाना है और फिर अपने आप को चेक कीजिए कि दो दिन में जो आपने याद किया क्या मोक टेस्ट में वो सही से आपको याद रहा या आप उतने टाइम में उस चीज को कर पाए राइट तो इस तरीके से तैयारी कीजिए डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आप सिलेक्शन जरूर ले पाएंगे ठीक है तो ये थी मेरी सलाह आपके आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी पढ़ते रहिए खुश रहिए हेल्दी रहिए चलिए थैंक यू